पैर हटा रखे हैं सर। बिल्कुल, तो ऑटोमेटिक अपनी बढ़िया चल रही है। स्पीड के लिए मैं यहाँ से दिखाऊंगा, आप देख सकते हो 50 लिमिट सेट है। हाँ, तो इसमें भी हम नेक्सा में क्या कर सकते हैं, 50 की लिमिट सेट कर सकते हैं। इन्हें 120 ले रखी है स्पीड, मतलब मैक्सिमम 120 होती है। हाँ, मैक्सिमम 120 होती है। अब इसको मैंने सपोज 30 कर दी। क्या लगा कि भाई इसमें क्रूज कंट्रोल होना चाहिए? कैसे, मेरे पास ऑलरेडी टॉप मॉडल कार थी, इसमें एक क्रूज की कमी थी। हाँ, मैं काफी रिसर्च कर रहा था, फिर मुझे नेक्सा क्रूज के बारे में पता लगा। मतलब फर्क है स्पोर्ट्स मोड पे? स्पोर्ट्स मोड पे काफी फर्क है, क्रूज लगा हुआ भी था पहले। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए और मस्त हो गए। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। आज हम भाई आपकी टाटा की टाइगर लेके आए हैं। तो आज की वीडियो हमारे साथ है डिंपल भैया। तो भैया कैसे हो आप? तो भैया ये बताइए, आज सबसे पहले हुआ क्या क्या इस कार में? इस कार में डैम्पिंग हुई है और प्लस हमने क्रूज कंट्रोल एक्टिव किया। क्रूज कंट्रोल लगा इसमें? हाँ, का नेक्सा क्रूज आता है वो लगाया। बिल्कुल, तो जैसे हमने एक दो वीडियोज और दिखाई है आपको पीछे, तो उनसे रिलेटेड आज इसमें लगा है। ब्रीजा में आपको दिखा दिया है, एस्पिरेशन में आपको दिखा दिया, अमेज में आपको दिखा दिया, नेक्सोन में भी लगा चुके हैं ना। तो आज टाइगर की बारी अपनी टाटा की। तो आज की वीडियो हमारे साथ हैं भैया, है ना? भैया कैसे हैं आप? तो भैया कहाँ से आए आप? मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से हैं, तो आपको मतलब क्या लगा कि भाई इसमें क्रूज कंट्रोल होना चाहिए? मेरे पास ऑलरेडी टॉप मॉडल कार थी, इसमें एक क्रूज की कमी थी। हाँ, मैं काफी रिसर्च कर रहा था, फिर मुझे नेक्सा क्रूज के बारे में पता लगा, फिर मैंने कॉन्टेक्ट किया तो कंपनी में, तो कंपनी ने डिंपल भैया का बताया कि ये फिट करते हैं और आज टाइम निकाल के आया और लगवा दिया। तो भाई ये देखो अपनी टाइगो रहने वाले, अभी भैया ने भी टेस्ट नहीं करा, अभी हम चेक करके आपको दिखाएंगे कि कैसा क्या ओवरऑल क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है ना। सो गाइज, अब भैया ने भाई क्रूज कंट्रोल अपना एक्टिवेट कर दिया। आप देख रहे होगे सामने जो डिस्प्ले लगी है उसमें ग्रीन आ चुका है क्रूज के सामने, एक्टिवेशन का वो। बिल्कुल, तो देखो एक्सेलेरेटर से पैर हटा रखे हैं सर। बिल्कुल, तो ऑटोमेटिक अपनी बढ़िया चल रही है। स्पीड के लिए मैं यहां से दिखाऊंगा। हां, तो अभी 27 पे अपनी है ना। तो भैया ने करा तो बढ़ना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। ये देखिए, ये एक्टिवेट 31 32 33 34, ये हो गया, फिर दोबारा से एक्टिवेट है ना। ठीक है जी, बिल्कुल रिज्यूम हो गया अपना। 34 तक 35 36, इसमें एक्चुअली स्पीड लिमिट सेट है 50 तक की 50 तक, ये इंक्रीज होता जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो ये देखो भाई, ये मैंने जहाँ तक एक्टिवेट कर रखा था। तो जैसे मतलब भैया जितनी स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे अगर एक्सीलेटर करेंगे हम, तो उतने पे रुकेगा या कितने पे? नहीं, जैसे हमने कम करनी है सपोज, ये देख रहे डिक्रीज भी हुई है, भैया ने ब्रेक दबाया तो ये हट गई अपनी, है ना। हाँ, एक ताकि काम कर रहा है, ये चीज दिखा रहे हैं हम लोग। तो ये लॉन्ग प्रेस किया, आ गया उधर, ग्रीन आ गया ना उधर से, ये रिज्यूम हो जाएगा जहाँ पे स्पीड हमने ब्रेक दबाई थी, ये वहीं जाके रिज्यूम हो जाएगा। अच्छा, जितने पे ब्रेक लगाया होगा, अगर सपोज मानो 40 पे लगाया तो 40 पे रिज्यूम हो जाएगा। तो ये 39 पे भैया ने ब्रेक लगाया था, तो 39 के आसपास जाके वो हो गया। बिल्कुल, तो देखो इस तरीके से सारे फीचर्स हैं। ये एनर्जी मोड हो गया और वो आगे वाला अपना इसमें स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा ना। तो इसमें दो अपने मोड होते हैं, इको मोड एवरेज के लिए हो गया, स्पोर्ट्स मोड है ना। अभी हम इको मोड ट्राई कर रहे हैं और अभी हो गया स्पोर्ट्स मोड। तो एक बार भैया थोड़ा सा एक्सीलरेट करके देखना कुछ, कितना फर्क है, कितना क्या डिफरेंस है। एक बार एक्सीलरेटर का रख के मतलब काफी फर्क है इसमें, मतलब फर्क है स्पोर्ट्स मोड पे। स्पोर्ट्स मोड पे काफी फर्क है, क्रूज लगा हुआ भी था पहले, नहीं था, लेकिन अब क्रूज हट गया है, अब एनर्जी मोड पे चल रही है गाड़ी, और एनर्जी मोड पे काफी स्पीड में है और काफी थ्रॉटल मिल रहा है, मतलब कि पता चल रहा है कि हाँ कुछ है ना। तो भाई ये देखो इस तरीके से ऐसा रिस्पॉन्स है भैया अपने, ये है कि ये जो है आप कहीं भी आराम से रख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ रखना है वहाँ रखना है, कहीं भी आप, ये वायरलेस रहने वाला है अपना ना, कहीं भी आप इसको रख सकते हो या कहीं भी माउंट कर सकते हो उसको, है ना। तो अभी हम प्रॉपर चेक कर रहे हैं सारी चीजें। तो ये दोबारा से क्रूज लगा दिया, ये देख। तो अगर आप सिटी में चल रहे हैं तो भाई इको मोड को लगाओगे तो ना आपको एवरेज वगैरह सब चीज बढ़िया निकलेगी, है ना भैया इसमें। तो ये देखिए, इसमें एक अपना दूसरा मॉडल भी आता है ना भैया, इसमें क्रूज में आता है, क्रूज में जो आते हैं ये तो एनर्जी मोड वगैरह सब कुछ है। हाँ, एक क्रूज और है नेक्सा का, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हो, बस बस क्रूज के लिए होता है ना। उसमें क्या होता है, वो पैडल से आपने जहाँ पे स्पीड पे छोड़ी है तो वहाँ पे ही वो रह जाएगा, उसको एक्टिवेट कर दो बस। क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है इस पे 20 पे, ये
ये सिटी के मोड के लिए हाँ जी स्पीड लिमिट्स वगैरह होती है जैसे आप बिल्कुल 50 हाँ जी ठीक है तो 20 पे लगाया तो 20 पे ही ये रन कर रही है हाँ। आराम से रन कर रही है मुझे कोई और इसमें एक ऑप्शन और है कि जैसे आपका ये मोबाइल से आप इस पे स्पीड लिमिट भी सेट कर सकते हो सपोज आपको करना है कि 50 पे स्पीड लिमिट सेट करनी है अगर आपको पता है कि डेली के अंदर 50 अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो 50 लिमिट सेट है हाँ तो इसमें भी हम नेक्सा में क्या कर सकते हैं 50 की लिमिट सेट कर सकते हैं बिल्कुल तो ये देखो इस तरीके से इसका ऐप होता है ये तो ये इंटरफेस को जिस तरीके से आएगा इसका अब जैसे भैया ने 120 ले रखी है स्पीड मतलब मैक्सिमम 120 होती है हाँ मैक्सिमम 120 होती है अब इसको मैंने सपोज 30 कर दी हाँ अब भैया 30 तक लेके जाओ एक बार ये 30 तक भैया लेके जा रहे हैं 30 के ऊपर नहीं जाएगी अब ये 30 के ऊपर नहीं जाएगी पूरा थ्रोटल दबा लो जो मर्जी कर लो थ्रोटल दबा रखा पूरा अगर मैं दिखाऊं तो देखो एक बार भी पैडल करना ये देखो भाई पूरा दबाया हुआ है तो 30 से ऊपर नहीं जा रही गाड़ी ये देख लो ये लास्ट तक करो दबा दिया मतलब कोई रिस्पांस नहीं है ना हाँ तो मैं मतलब जितना सेट है ना उतने पे रहने वाला है अगर 30-20 जितना भी आप करेंगे 60-50 जो भी आप स्पीड लिमिट सेट करेंगे ना तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हो थोड़ी देर एक्टिवेट करा और सारी चीज हो जाएगी ओवरऑल अब भैया से एक्सपीरियंस लेते हैं किस तरीके कैसा लगा भैया को तो भैया कैसा रिव्यू देना चाहते हैं आप इसके बारे में इतना यूज करने बहुत अच्छा रिव्यू है बल्कि मैं तो भाई नेक्स्ट क्रूज लगवाने आया था फिर मैं डैम्पिंग भी करवा लिया ना करवाई तो क्रूज मतलब वर्थ है इतने प्राइस में क्रूज तो वर्थ है ऑब्वियसली एक ही फीचर की कमी थी लॉन्ग ड्राइव में मैं जाता ही हूँ मेरठ वगैरह या फिर मेरे लॉन्ग ड्राइव तो होते ही है तो उसमें वो ये हर टाइम पैडल पे पैर रहता था थ्रॉटल देना पड़ता था तो जैसे एक क्रूज कंट्रोल सर्च करते हैं फिर नेक्स्ट क्रूज का पता लगा फिर मुझे डिंपल भैया का पता लगा मैं आया और अब तक तो बड़े चल रहा है बिल्कुल होप फॉर द बेस्ट तो भैया डिंपल भैया इसकी क्या वारंटी वगैरह और कितने क्या प्राइसिंग आती है वारंटी रहेगी आपकी प्लस 26,000 का 26,000 का है ना तो 26,000 का रहने वाला है और इस तरीके से हमने और भी कई कस्टमर्स कहते हैं कि ये सक्सेस है नहीं है हमने भी इसका ट्रायल लिया था आपने और मैंने जो लिया था बिल्कुल ट्रायल लेके आए थे तब हम लोगों ने इसका वीडियो भी शूट करने का सोचा था बिल्कुल बिल्कुल तो ये थी देखो सारी चीजें ब्रीजा में हमने दिखाया हुआ है और भी मतलब और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं सर्च करना तो आ जाएगी सर्च करो हर गाड़ी का मिलेगा एक्सयूवी 700 का ले लो ब्रीजा का ले लो स्विफ्ट का ले लो एक्सप्रेसो का ले लो अल्टो का ले लो बिल्कुल तो देखो मतलब सभी कार में लग जाता है ये नहीं है कि नहीं ऐसे नहीं है हर गाड़ी का ऑलमोस्ट बन रहा है और धीरे धीरे कंपनी और एक्टिवेशन करती जा रही है नई नई कार्स में भी बिल्कुल तो आपको प्राइसिंग वगैरह हमने बता दी है जो दूसरा वाला रहने वाला है जिसमें बस ओनली क्रूज रहता है उसकी क्या प्राइसिंग रहेगी अप्रोक्सीमेट रहेगा 20,000-21,000 के अराउंड रहता है अच्छा तो भाई वो इतने का रहने वाला है उसके साथ साथ इसमें भाई अपनी पंख ऑडियो की भाई डैम्पिंग हुई है आगे पीछे मतलब कि अपने चारों डोर में डैम्पिंग वगैरह सारी चीज हुई है तो ये थी देखो आज की वीडियो हमने आपको टोटल सारी चीजें दिखाई आपको सब चीज चेकिंग करके दिखाई कैसा क्या एक्सपीरियंस वगैरह है कैसा क्या वर्क करता है कैसे वर्क करता है गारंटी वगैरह प्राइसिंग वगैरह आपको बता दी अगर किसी को भी लगवाना हो तो भाई शिवा कार सीरीज करोल बाग में आप आ सकते हो और बालाजी कार सीरीज पर आप आ सकते हैं करोल बाग में आना तो यहाँ तक वीडियो देखें आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।